हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। इसके बहुत सारे नाम हैं, इसको छल्ली भी कहते हैं, स्वीट कॉर्न कहते हैं, भुट्टा भी कहते हैं। इसको बनाने के बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीके होते हैं। एक तो ये रोस्ट की जाती है, इसको बॉयल भी करते हैं, इसको हम इसके जो छिलके होते हैं उसके समेत भी इसको हम पकाते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं, हमें बहुत पसंद है, आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद होगी आई होप। इसको बॉयल करने का सही तरीका क्या है जिससे ये ख़राब ना हो, ज़्यादा फटे भी ना? तो चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। जी तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे इसको रोस्ट करने का तरीका, मतलब इसको हम भूनेंगे नमक के अंदर। वो तरीका क्या होगा, कैसे हम लोगों ने आग जलानी है, कैसे सारा कुछ होगा वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। तो अब्बू जी माशाल्लाह यहाँ पे छली लेके आए थे काफ़ी सारी, तो हम लोगों ने ये अलहदा करनी थी, जो हम लोगों ने बॉयल करनी थी और जो हम लोगों ने रोस्ट करनी थी वो हम लोगों ने अलहदा अलहदा कर ली थी। और हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग इसे गैस पे बनाएंगे, लेकिन गैस नहीं आ रही थी तो हमें जाना पड़ा छत पे। और आग से जो हमारे साथ स्ट्रेटजी हुई है ना, वो बहुत ही ज़्यादा फनी थी। हमसे आग नहीं जल रही थी क्योंकि सारा काम जो है वो गैस पे करना होता है और कभी आग ऐसे जलाई नहीं है। तो हम लोगों ने जो था नमक वगैरह डाल के कढ़ाई के अंदर रख दिया था, और इतना सारा हम लोगों ने खलारा डाला हुआ था छत के ऊपर। मम्मा कह रही थी साफ़ किसने करना है जो आप लोगों ने इतना खलारा डाल दिया है। मम्मा कह रही थी छत के ऊपर बिल्कुल भी आप लोगों ने जाकर नहीं करना, आप लोग गैस पे करना। अब मुझे कह रहे थे गैस बहुत लेट आती है और वो पता नहीं कैसे होगा फिर उसके ऊपर, क्योंकि उस टाइम हम लोगों ने बहुत सारे काम करने होते हैं। और जब आग जली ना, तो इतनी ज़्यादा तेज़ जल गई थी, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने लकड़ियाँ लगा दी थी, वो एकदम से जलना शुरू हो गई। तो फिर हम लोग सारे दूर दूर हुए, और फिर आग को हम लोगों ने थोड़ा सा कम किया, नमक भी अच्छे तरीके से गर्म हो चुका था तब तक। फिर हम लोगों ने जौन सी छलियाँ हैं वो इसके अंदर डालना शुरू की। हमें ये तरीका नहीं आ रहा था, लेकिन जब हम लोगों ने करना शुरू किया तो बहुत ही अच्छी रोस्ट हो गई थी। माशाल्लाह क्या करना होता है कि आप लोगों ने छली डाल के ना इसके अंदर, इसके ऊपर नमक डालना होता है, ठीक है। आग जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए आपकी, नमक आप लोगों का गर्म होगा ना तभी आपकी छली जो उनसी है ना वो बिल्कुल सही तरीके से रोस्ट होगी। अगर आप लोगों का नमक ठंडा होगा और वो ये आहिस्ता आहिस्ता रोस्ट हो जाएगी तो ये बहुत ज़्यादा अंदर से ना सख्त हो जाएगी और बहुत ज़्यादा चुई हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको तेज़ आंच पे ही इसको रोस्ट करना है ताकि ये बहुत ज़्यादा इसकी अच्छी सी स्मेल आए और बहुत अच्छी सी रोस्ट हो जाए, ठीक है। देखिए मैंने सारी अच्छी तरीके से रोस्ट कर ली है, हम लोगों ने बहुत ही मेहनत की थी रोस्ट करने में, कोई आग जला रहा था और कोई इसको हिला, लेकिन शुक्र है ये बहुत अच्छे तरीके से रोस्ट हो गई थी। अब हम लोगों ने इसको करना था बॉयल, जो हमारी छलियाँ रह गई थी उसको हमने बॉयल करना था। मामा ने इसके छिलके उतार दिए थे, हम लोगों ने इसको इस तरीके से बॉयल करना है कि इसके जो हैं ऊपर से ये फटे भी ना बिल्कुल, और बिल्कुल बॉयल भी हो चुकी हो, नरम भी हो, फटे ना। क्योंकि कई लोग बॉयल करते हैं ना वो क्या होता है कि ऊपर से जो छली है ना फट जाती है, बहुत ज़्यादा नरम हो जाती है और बिल्कुल भी उसके दाने जो हैं वो साबुत नहीं रहते, तो वो अच्छी नहीं लगती, ठीक है। तो मैं आप लोगों को मसाला बनाना भी सिखाऊंगी कि इन छलियों के ऊपर मसाला कैसे बना के आप लोगों ने लगाना है, कैसे ये चटपटी सी बन जाएगी और बहुत मज़े की लगेगी। हम ज़्यादा पसंद है, आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद होगी। इसी के साथ अगर आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, शेयर ज़रूर कीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि आपको मेरी जो वीडियोज़ हैं वो आप लोगों को पहले देखने को मिलें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो आप लोगों तक पहले पहुंच सके। हाँ जी, तो छलियाँ हम लोगों ने ले ली तकरीबन 7 से 8। आप लोगों ने प्रेशर कुकर के अंदर डाल के पानी कितना डालना है, पानी आप लोगों ने इतना डालना है कि ये छलियाँ जो उनसे ना बिल्कुल डूब जानी चाहिए, ठीक है। पानी बहुत ज़्यादा इसको चाहिए होता है। फिर इसको हम लोगों ने ढक के पकाना है प्रेशर कुकर की। प्रेशर कुकर की आपने सीटी नहीं लगानी, आप लोगों ने सिर्फ इसके ऊपर ढक्कन देना है, अच्छे तरीके से बंद कर देना है, इसको आप लोगों ने पका लेना है, ठीक है। पकाना कितना, आधे घंटा लगेगा इसको, ठीक है। जब आप लोग आधे घंटे के बाद चेक करेंगे ना तो माशाल्लाह ये बिल्कुल पक चुकी होंगी, इसका दाना जो है बिल्कुल गल चुका होगा बिल्कुल भी। देखिए आप माशाल्लाह ऊपर से फटी नहीं है, कोई इसकी ख़राब नहीं हुई, स्किन जोन सी है कितनी अच्छी लुक आ रही है माशाल्लाह। अच्छे तरीके से बॉयल करने का यही फ़ायदा होता है कि ऊपर जो है इसके स्किन जो है बिल्कुल सही रहती है, और आप लोगों को प्रॉपर तरीका आना चाहिए कैसे हम लोगों ने रोस्ट करनी है, फ्राई वो बॉयल करनी है। तो बहुत अच्छी सी छलियाँ हमारी जो उनसे बॉयल भी हो चुकी हैं, रोस्ट भी हो चुकी हैं। इसको हम लगाएँगे मसाला और
खाएंगे मुझे लेकर। अब मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि इसका जो सा मसाला है, चटपटा सा मसाला, चटखारेदार लेमन जूस में ला के हम लोग कैसे बनाएंगे, वो मैं आप लोगों को इसके ऊपर लगा के हम लोग खाएंगे। अब बनाते हैं इसका मसाला। तो मसाला बनाने के लिए आप लोगों ने थोड़ा सा नमक लेना है, तकरीबन हाफ टी स्पून। उसके अंदर आप लोगों ने 1/3 टीस्पून आप लोगों ने रेड चिली पाउडर थोड़ा सा बिल्कुल ऐड करना है, क्योंकि हम इसके अंदर एक ऐसा इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे जिसके अंदर पहले से ही नमक मिर्च होगा, वो है चाट मसाला। तो आप लोगों ने ज़्यादा सा 1 टेबल स्पून भर के आप लोगों ने इसके अंदर चाट मसाला ऐड कर देना है। चटपटा सा बनेगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। थोड़ी सी टाटरी ऐड करेंगे ताकि खट्टी सी बन जाए, और ये मसाला इतना मज़े का बनता है, जो छली के ऊपर लगा खाते हैं, बहुत टेस्टी। अच्छा जी, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम लोगों ने एक ऐसा इंग्रेडिएंट ऐड करना है जो बहुत टेस्टी बनाएगा छली को। हाँ जी, तो मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम लोगों ने ऐड करना है लेमन जूस। लेमन जूस कितना ऐड करना है कि इसका हम लिक्विडी सा इसका घोल बना लेते हैं, जो इजीली छली के ऊपर लग जाए और बहुत टेस्टी लगे। तो लेमन जूस हम लोगों ने निकाल के पहले ही रखा हुआ था, वो आप लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देना है। इसको आपने कर देना है बहुत ही अच्छे से मिक्स, ताकि जायका जो है बहुत मज़े का आए। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि टेस्टी रेसिपी, चटपटी रेसिपीज़ आप लोगों को देखने को मिलती रहें, और आप लोग बिल्कुल फ्री में वॉच करें। लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, बेल आइकन का नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइए। तो आप लोगों ने एक ब्रश लेना है, ब्रश की मदद से आप लोगों ने इसके ऊपर लगाना है, ठीक है। अगर ब्रश नहीं है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग लेमन का जो छिलका होता है उससे भी लगा सकते हैं। तो हमने ले लिया एक ब्रश, उसकी मदद से हम लोग लगाएंगे इसके ऊपर चटपटा सा जो हमने घोल तैयार किया है, मिक्सचर तैयार किया है लेमन जूस का, टाटरी का, चाट मसाले का। इतना मज़े का लगता है, बहुत ही टेस्टी। और देखें छली माशाल्लाह कितनी अच्छी बॉयल हुई है, ऊपर से बिल्कुल भी नहीं पटी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप आप लोगों को आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, बहुत ही डिफरेंट रेसिपी थी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चैनल पे बने रहिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। टेस्टी रेसिपीज़, जोन सी रेसिपीज़ आप लोग देखना चाहते हैं, वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। हाँ जी, तो माशाल्लाह मसालेदार हमारी छलियाँ जोन सी हैं वो रेडी हैं। हम लोगों ने भुनी हुई छली खा ली थी, बहुत मज़े की थी। उसका टेस्ट तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इससे डिफरेंट होता है, और मुझे वही ज़्यादा पसंद है भुनी हुई छली। बॉयल की हुई छली भी बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, आप लोग ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब बारी आती है इसको टेस्ट करने की, चटपटी सी। आप लोग अगर ज़्यादा मसाला लगाना चाहते हैं तो ज़्यादा लगाइए, अगर कम मसाला लगाना चाहते हैं तो कम लगाइए, ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोगों को कितना मसाला, कितना फीका और कितना आप लोगों को खट्टा पसंद है, उस हिसाब से लगाइए। क्योंकि घोल आपका तैयार है, आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से लगाना है। तो बिल्कुल पक चुकी थी और बिल्कुल गली हुई छली थी, और चाट मसाला तो बहुत अच्छा लग रहा था इसके ऊपर। चटपटी सी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप आप लोग बहुत डिफरेंट तरीके से बनाते होंगे छलियाँ, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलती हूँ मैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।